मॉर्निंग बच्चों, आर से एजुकेशन के ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। कल हमने पढ़े थे समानार्थक शब्द, यानी कि उनका अर्थ है, हमें ऐसे लगता था कि भाई उनका अर्थ समान होगा लेकिन उनके अर्थ में थोड़ा बहुत अंतर होता था। और यहाँ पर बिल्कुल उल्टा है, यहाँ पर बिल्कुल उल्टा क्या है, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, यानी कि ऐसे शब्द जो सुनने में तो एक जैसे लगते हैं लेकिन उनका अर्थ भिन्न भिन्न होता है। सुनने में वो दोनों शब्द समान लगते हैं लेकिन उनके अर्थ में बहुत ज्यादा अंतर होता है, यानी कि उनके अर्थ बिल्कुल भिन्न होते हैं। जैसे इसके परिभाषा देखिए, ऐसे शब्द जो, देखो इसके अर्थ से श्रुति सम, यानी कि सुनने में समान लगते हैं भिन्नार्थक शब्द, लेकिन उनके अर्थ कैसे होते हैं, भिन्न होते हैं। ऐसे शब्द जो सुनने में एक जैसे लगते हैं परंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। ऐसे सब क्या कहलाते हैं, श्रुति संभिन्नार्थक सब, ऐसे सब जो सुनने में एक जैसे लगते हैं परंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। श्रुति संभिन्नार्थक सब कहलाते हैं। श्रुति संभिन्नार्थक सुनने में जैसे सात और सात, सात तो क्या होता है कि भाई सात यानी संख्या होती है, सात और सात किसी का साथ या संग। ऐसे जैसे आदि और आदि, तो आदि एक का अर्थ होता है आदि का आरंभ और दूसरे आदि का यानी कि अर्थ होता है आदि। इसी प्रकार दिया और दिया, छोटी दिया वाली दी होती है, दिया मीन्स देना होता है और दिया मीन्स दीपक होता है। इसी प्रकार के इनके ऐसे सब जो हमें सुनने में समान लगते हैं लेकिन उनके अर्थ में अंतर होता है, उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। यहाँ पर देखो आप, जैसे पहले देखो सात और सात, तो ये सात तो क्या है संख्या, ये संख्या और ये सात क्या है संख या सार्थ। दूसरा है जैसे दिया और दिया, इस दिया का अर्थ होता है देना और इसका अर्थ होता है दीपक। आदि और आदि, इस आदि का अर्थ होता है आरंभ और इसका अर्थ होता है आदत। तो ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जिनका चौथा सब देखिए, पवन मीन हवा होती है और पावन यानी पवित्र। प्रसाद और प्रासाद, प्रसाद होती है यानी कि जो हम प्रसाद ग्रहण करते हैं वो क्या होता है, प्रसाद होता है यानी कि कृपा। और प्रासाद का अर्थ होता है महल, ठीक है।
ग्रह नक्षत्र होते हैं जो हमारे आसपास में होते हैं वो, और ये ग्रह होता है घर। इसी प्रकार हम देखिए वो देखते हैं तो चाहे प्रमाण और प्रणाम, प्रमाण का यानी क्या होता है सबूत, दिया सबूत दो, और प्रणाम है नमस्कार करना, ठीक है। इसी प्रकार तरंग और तुरंग, तो तरंग का अर्थ होता है लहर, पानी की लहर, और तुरंग किसको कहते हैं, घोड़े को, तो तुरंग का अर्थ होता है घोड़ा। इस प्रकार नौका, कपाट और कपट, कपाट कपाट क्या होता है, दरवाजा, कपाट यानी दरवाजा और कपट यानी धोखा। तो इस प्रकार बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो बोलने में तो हमें इस श्रुति सुनने में हमें समान दिखते हैं, लेकिन उनके अर्थ होते हैं जो सुनने में समान ही सुनाई देते हैं, लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। उनके वैसे तो इसके नाम से हमें पता चल रहा है, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द यानी कि सुनने में समान दिखाई देते हैं, सुनने में समान होते हैं लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। आज के लिए हमारा इतना ही काफी है, और अब हम आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।